झारखंड की राजनीति में एक बार फिर नया भूचाल देखने को मिल सकता है। इस और सांसद निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट कर तहलका मचा दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि झारखंड में भाभी जी के ताजपोशी की तैयारी, परिवारवादी पार्टी का बेहतरीन नुस्खा गरीब के लिए, वहीं इस पर झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन के खिलाफ सुनवाई पूरी हो गई। भारत निर्वाचन आयोग के लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 के खिलाफ मामला चल रहा है। चुनाव आयोग की ओर से इस मामले में अब किसी भी दिन फैसला सुनाया जा सकता है। राज्यपाल को अनुशंसा भेजी जा सकती है। इस बीच राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति से निपटने के लिए हेमंत सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। तेज से बदलते राजनीतिक हलचल के बीच विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो और जेमेम विधायक निरल पूर्ति ने कनाडा यात्रा को स्थगित कर दिया है, जबकि विपक्ष के विधायक डॉ लंबोदर महतो राष्ट्रमंडल संघ की बैठक में शामिल होने के लिए कनाडा जाने के लिए रांची से रवाना हो चुके हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20 अगस्त को रांची स्थित सीएम हाउस में सभी यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई है। जेएमएम के सचेतक और टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि शनिवार को सीएम आवास पर सुबह 11 बजे सभी यूपीए विधायकों को पहुंचने को कहा गया है। इस बैठक में जेएमएम और आरजेडी विधायकों को आमंत्रित किया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।